हेलो बच्चों, अगर ये डायग्राम आपको पेपर में दिया जाता है और इस डायग्राम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 53 के ऊपर ये डायग्राम दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले इस डायग्राम में जो पार्ट्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं चलूँ, अगर एक्स है यहाँ पे, एक्स क्या है, व्हाट इज दिस एक्स? ये जो एक्स स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट करता है प्लेसेंटल विलाइज, प्लेसेंटल विलाइज को रिप्रेजेंट करता है एक्स। प्लेसेंटल विलाइज, जिनको हम कोरियोनिक विलाइज भी कह सकते हैं। ये प्लेसेंटल विलाइज एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके साथ ये कोरियोनिक विल्लाई एंडोमेट्रियम के साथ क्या हो जाती हैं, धंस जाती हैं। और एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड यूज़ कर रखा है इंटरडिजिटेशन। तो जब ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरडिजिटाइज हो जाती हैं, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटल विल्लाइज। तो एक्चुअल में ये क्या है, प्लेसेंटा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये जो प्लेसेंटा है ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन्स रिलीज बाय द प्लेसेंटा। तो आपको ये मालूम है, हार्मोन नंबर वन इज एच सी जी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG। नेक्स्ट वन इज HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अनदर वन इज इस्ट्रोजन, अनदर वन इज प्रोजेस्ट्रॉन, एंड वन मोर इज वी हैव रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। और आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये तीनों हार्मोन्स HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं। रिमेंबर द नेम ऑफ दीज थ्री हार्मोन्स, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिंस। दे आर रिलीज ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड जस्टिफाई। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। ये जो डब्ल्यू पार्ट है, इस डब्ल्यू को हम कहते हैं योक सैक। दिस पार्ट रिप्रेजेंट योक सैक। ये योक सैक जो होता है ये शुरुआत में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। जब तक बच्चे में हड्डी नहीं बनती उस समय तक ये योक सैक क्या बनाता है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। ये जो लेयर नंबर वन है, जो ग्रीन कलर से आपको मैंने दिखाई है, ये लेयर है। दिस लेयर रिप्रेजेंट्स एमनियोन। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एमनियोन। वैसे एनसीईआरटी बुक में नहीं दी हुई है, इस लेयर का नाम होता है एमनियोन। और ये जो बच्चा ग्रीन ग्रीन कलर से के फ्लूइड से जो सराउंड करता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। फिर जो जेड है, ये जेड क्या है, दिस जेड रिप्रेजेंट्स एम्ब्रियो, दिस जेड इज एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ प्रेगनेंसी स्टेज को डिनोट कर सकता है। नंबर टू पे आ जाते हैं, जो नंबर टू लेयर है जो ब्लू कलर से मैंने डिनोट की है, इस लेयर को हम कहते हैं कोरियोन। दिस लेयर इज कॉल्ड कोरियोन। और जो एम है यहाँ पे नीचे, ये सर्विक्स रीजन है। इस सर्विक्स के ऊपर एक प्लग लगा हुआ है और ये प्लग किसका है, म्यूकस का। दिस इज म्यूकस प्लग, जो सर्विक्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है ताकि कोई चीज यहाँ से एंटर ना करे। इधर आ जाते हैं दिस लेयर, दिस लेयर जो लाइनिंग, सी लाइनिंग मैंने दिखा रखी है इधर भी और उधर भी, ये लेयर रिप्रेजेंट करती है किसको, मायोमेट्रियम। दिस लेयर रिप्रेजेंट्स मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। इधर चलते हैं वाई, वाई क्या है, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। वाई रिप्रेजेंट्स अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती है, ब्लड वेसल्स। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से क्या करता है, कनेक्ट करता है।
एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये प्लेसेंटा से बच्चे की तरफ कुछ चीज़ें लेके आता है, सप्लाई करते हैं, सिमिलरली बच्चे से वापस प्लेसेंटा की तरफ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन फीटस एंड मदर ब्लड। जी आप इसका फंक्शन बता सकते हैं, किसका, अम्बिलिकल कॉर्ड का। और ये जो वाई है ये है यूटेराइन कैविटी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये खाली जगह है, इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो दो क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन डी के अंदर 4 नंबर के, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा होती है। तो इसको आप एक बार लेबल कैसे करेंगे, कौन सा पार्ट क्या है और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, वो एक बार अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लेना। कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।